टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी चुनौती है और मैंने देखा है कि अगर एक्सपर्टाइज नहीं है तो हम समय पर जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, देर हो जाती है। जिस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी के इश्यू बने हैं, जिस प्रकार से क्राइम में टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार से क्राइम डिटेक्शन में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मददगार भी हो रही है। पहले के समय में कहीं चोरी हो जाए तो चोर को पकड़ने में लंबा समय लग जाता था, लेकिन आज कहीं सीसीटीवी कैमरा होगा, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देख लीजिए तो फिर पता चलता, हाँ ये व्यक्ति बड़ी आशंका से जा रहा है, पहले इस मोहल्ले में गया फिर इस मोहल्ले में गया। आप लिंक बिठा दें और आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेटवर्क है तो बड़ी आसानी से एक व्यक्ति को ट्रेस करके आप ढूंढ सकते हैं कि यहां से निकला था, यहां आया था और यहां पर उसने कानून के विरुद्ध में काम किया है, पकड़ा जाता है। तो जैसा क्रिमिनल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, वैसे सुरक्षा बलों के लिए भी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सशक्त हथियार आया है। लेकिन सही लोगों के हाथ में सही हथियार और समय पर काम करने का सामर्थ्य ट्रेनिंग के बिना संभव नहीं है। और मैं मानता हूं कि दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं, अगर आप इस क्षेत्र में, आपके शायद यहां केस स्टडी पढ़ाते होंगे तो उसमें आता होगा कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते क्राइम किया जाता है और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के उपयोग से क्राइम डिटेक्ट किया जाता है। यह ट्रेनिंग सिर्फ सुबह परेड करना, फिजिकल फिटनेस, इतने से अब रक्षा क्षेत्र का काम नहीं रहा है। कभी कभी तो मैं सोच रहा हूं मेरे दिव्यांग भाई बहन शायद फिजिकली अनफिट होंगे तो भी अगर रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में ट्रेन हो जाएंगे तो वे भी रक्षा क्षेत्र अंदर शारीरिक अक्षमता के बाद भी ट्रेनिंग के कारण, मानसिकता के कारण बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। यानी पूरा दायरा बदल चुका है। हमें इस रक्षा यूनिवर्सिटी के माध्यम से उस दायरे के अनुकूल व्यवस्थाओं को कैसे विकसित करें, उस दिशा में जाना चाहिए।